मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम। और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात कर जाए मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDb है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों उनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है।
तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवतार गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है, इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं, और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं, और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर खास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे, तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा।
अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहाँ आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतर गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है, रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है, इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी।
वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम। और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात कर जाए मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूं, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतर गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए।
आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है, और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें, तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी, और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है, तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। पर हाँ, आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहाँ आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतर गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष,
सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं। जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें, तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है
और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है, तो वैसे में ये मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। पर हाँ, आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहाँ आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवतार गिल, महेश आनंद, तेज सपरू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं, और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे, तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी।
वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें, तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहाँ आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतर गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं, और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए
वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम। और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहाँ आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतार गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी
आसानी से समझ जाएं। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को यह मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है, इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है, तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। पर हाँ, आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूं, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतार गिल,
महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं। जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं, और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है, और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं, और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर खास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी, और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था, और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है, और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें, तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी,
और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूं, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतर गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं, और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है, और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं, और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी, और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं।
अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात कर जाए मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहाँ आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतर गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे,
पर फिर भी अगर वो गलती करता है, और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही। तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम। और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी, और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था, और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं, तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें, तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी, और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहाँ आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतार गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी, और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी,
तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही। तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित,
मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवतार गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी, और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं। जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं, और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है, और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है, और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों, अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी, उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं, और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है, और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी, और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था, और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 आउट ऑफ 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं, तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें, तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी, और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी।
तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है, तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। पर हाँ, आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतार गिल, महेश आनंद, तेज सपरू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है, रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है, इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं, और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं, और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहाँ आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतर गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए तो
और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे। पर फिर भी अगर वो गलती करता है, और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही। तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जो पुरानी मूवीज़ होती थी, उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम। और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी, और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था, और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं, तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें, तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी, और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों, उनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ, आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूं, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे, उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी। खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतार गिल, महेश आनंद, तेज सपरू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी, और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी,
तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाएँ। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है, तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। पर हाँ, आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित,
मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवतार गिल, महेश आनंद, तेज सपरू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी, और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है, इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं, और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाएं। तो बेहतरीन मूवी है, और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं, और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है, और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी, और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है, इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था, और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है, और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें, तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी, और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों उनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी।
तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतार गिल, महेश आनंद, तेज सपरू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है, रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो ₹50 देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है, इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं, और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं, और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर खास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहां पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएँगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतार गिल, महेश आनंद, तेज सपरू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है, रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है, इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए
और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे। पर फिर भी अगर वो गलती करता है, और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही। तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम। और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी, और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था, और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं, तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें, तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी, और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूं, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतार गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी, और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी,
तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाएँ। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही। तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें, तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है, तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी। पर हाँ, आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा ये मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहाँ आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित,
मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवतार गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो ₹50 देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है, इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं, और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाएँ। तो बेहतरीन मूवी है, और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं, और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर खास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है, इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है, और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें, तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी।
तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवतार गिल, महेश आनंद, तेज सपरू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है, रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो ₹50 देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है, इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं, और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं, और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही, तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम, और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहाँ आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी, खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतार गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी, तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी। तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है, जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे, पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए,
और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे। पर फिर भी अगर वो गलती करता है, और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही। तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिथुन चक्रवर्ती की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी मूवीज़ होती थी उनके अंदर ख़ास बात ये थी कि उन मूवीज़ के गाने काफ़ी बढ़िया बनते थे। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है मुजरिम। और ये मूवी कहाँ पर आपको हिंदी के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखने को मिलेंगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, क्या ये मूवी हिट रही थी फ्लॉप रही थी, वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई मूवीज़ के बारे में न्यूज़ मिलती रहेंगी, और हम कुछ पुरानी मूवीज़ के बारे में भी यहाँ पर रिव्यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें मुजरिम मूवी के बारे में, तो दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मूवी है। इस मूवी को 1989 में रिलीज़ किया गया था, और ये हिंदी भाषा की एक क्राइम और एक्शन मूवी रही थी। वहीं इस मूवी का जो रन टाइम था वो दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट का था, जो आपको बोर नहीं कराएगा। अगर बात की जाए मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 5.4 की रेटिंग मिली हुई है। और दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। अगर आप लोग दोस्तों जो है वो मूवीज़ देखते हैं, तो शायद उमेश मेहरा को जानते होंगे, जो कि 90s के एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी शानदार मूवीज़ बॉलीवुड के अंदर दी हुई है। अगर हम इनकी कुछ फेमस मूवीज़ के बारे में बात करें, तो इन्होंने जाल, इंटरनेशनल खिलाड़ी, गुरु, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वर्दी, शिकारी, और भी यहाँ पर वो बहुत सारी मूवीज़ दे चुके हैं। दोस्तों, इनकी मूवीज़ काफ़ी शानदार रही है। चलिए बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में कि मूवी की कहानी क्या है और कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो वैसे तो मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, पर आप में से बहुत लोगों के पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन नहीं होगी, और वो लोग इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देखना चाहते होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी यूट्यूब पर तो ऑफिशियली उपलब्ध नहीं है, और जो नेटफ्लिक्स है वो अपनी मूवीज़ को यूट्यूब पर बहुत ही कम रिलीज़ करवाता है। तो वैसे में यह मूवी अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेंगी, पर हाँ, आप इस मूवी को दोस्तों जो है वो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। इसके अलावा यह मूवी आप सभी को बहुत सारी अनऑफिशियल थर्ड पार्टी साइट्स पर मिल जाएंगी, जहां आप इस मूवी को देख सकते हैं, जो कि मैं वो रिकमेंड तो नहीं करता हूं, बट दोस्तों वो आपकी चॉइस है। अगर बात करें आगे मूवी के बारे में, तो मूवी दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी। इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार कास्ट थे, उन्होंने काफ़ी शानदार एक्टिंग की थी। खास कर जो यहाँ पर जो मिथुन चक्रवर्ती है, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी शानदार एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के लीड कास्ट के बारे में, तो मूवी के अंदर 90s के सबसे पावरफुल विलन अमरीश पुरी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा माधुरी दीक्षित, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा पल्लवी जोशी, सुरेश ओबेरॉय, नूतन, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, गुड्डी मारुति, जगदीप, जॉनी लेवर, शरद सक्सेना, अवंतार गिल, महेश आनंद, तेज सप्रू, जयश्री अरोरा, रुपेश कुमार, अमृत पटेल, सलीम घोष, सुलभा आर्या, जया मथुर, राजेश पुरी, और भी आपको बहुत सारे शानदार कास्ट मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनकी एक्टिंग बेहद ही शानदार है, जो आप सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए हम इस मूवी की मुख्य कहानी के बारे में बात करते हैं कि मूवी के अंदर हमें किस तरह की कहानी देखने को मिलेंगी। वैसे दोस्तों, अगर आप इस मूवी को जो है यूट्यूब पर देखना चाहते हो, तो यूट्यूब पर भी मूवी उपलब्ध है। रेड चिल्स के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर उपलब्ध है, पर इन्होंने इस मूवी को रेंट पर अपलोड किया है, तो आप इस मूवी को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 50 रुपये देने पड़ सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि मूवी काफ़ी पुरानी है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे शायद देने नहीं पड़ेंगे। कहानी की बात करें कि कहानी किस तरह की हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी,
तो जो मिथुन चक्रवर्ती है वो यहाँ पर शंकर बॉस के रोल में है। इसके अलावा माधुरी दीक्षित यहाँ पर सोनिया के रोल में होते हैं और अमरीश पुरी यहाँ पर खान के रोल में है। मैं दोस्तों नाम आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इस मूवी की कहानी जो है वो काफ़ी आसानी से समझ जाए। तो बेहतरीन मूवी है और इस बेहतरीन मूवी को आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को ये मूवी जो है वो अच्छी लगेंगी। अगर हम इस मूवी के मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कि मूवी की कहानी जो है किस तरह से बनाई गई है और मूवी के अंदर हमें क्या खास देखने को मिलेगा, तो वैसे दोस्तों अगर आप लोग जो है वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, पुरानी जो मूवीज़ बनती थी उसके अंदर हमें एकदम नई और कमाल की कहानी देखने को मिलती थी, तो मूवी की दोस्तों कहानी वैसे काफ़ी सिंपल है जो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। पर जो मूवीज़ पुरानी होती थी उन मूवीज़ के अंदर जो गाने थे वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे और आज भी लोग जो है पुराने गाने के दीवाने बने हुए हैं और आज भी लोग जो है मिथुन चक्रवर्ती के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं। होता कुछ ये है कि इसमें यशोदा एक विधवा अपने बच्चे को प्यार और ईमानदारी से पालती है, हालांकि वह निराश हो जाती है जब उसके बेटे शंकर को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या होगा कि जब आप किसी को बहुत ही अच्छे से समझाए और उसे अपने साथ रखे और उसे ऐसी शिक्षा दे कि जो कि वो इन फ्यूचर कोई भी गलती ना करे, पर फिर भी अगर वो गलती करता है और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी गलती, तो आपको तो दुख होगा ही। तो वैसा ही इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी काफ़ी बढ़िया है, तो इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलेंगी, वो भी हिंदी भाषा के अंदर। अगर इस मूवी को यूट्यूब पर भी रिलीज़ किया जाता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।